माय मंत्रा हेल्दी इज ब्यूटी। हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ डॉक्टर आलोलिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टाइम चेंजेस, समय बदलता है, चीज़ें बदलती है। आज ये बातें बहुत ही मीनिंगफुल है हम होम्योपैथ्स के लिए, क्योंकि द होल वर्ल्ड इज़ बिजी टू गेट होम्योपैथिक मेडिसिन नाउ। ओके, लेट इट गो। जो भी हो, बात यह है कि आज जो मैं डिस्कस करूँगी वो है कि कुछ कमेंट्स या फिर कुछ क्वेरीज जो पेशेंट्स हम होम्योपैथ डॉक्टर्स से करते हैं। सभी होम्योपैथ डॉक्टर्स को ये सारे एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि ज़रूर होंगे। कुछ ना कुछ सवाल ये इनमें से किसी ना किसी को कभी ना कभी तो किसी ने ज़रूर पूछा होगा, और वो बहुत ही इरिटेट होंगे। लेकिन क्या है वो सवाल? कुछ सवाल रिगार्डिंग होम्योपैथिक मेडिसिंस और होम्योपैथिक मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन। मैम, इतनी छोटी गोलियाँ और वो भी सिर्फ दो दाने, इससे काम होगा? इतनी छोटी एक गोली आप एक ग्लास पानी में मिला के उसे पीने को बोल रहे हो और उससे काम होगा क्या? मैम, आप जो दवाई देते हो, वो दवाई जो गोलियों में देते हो, उस दवाई का जो एक्शन है ना, वो कुछ दिनों के बाद चला जाता है। फिर तो वो सिर्फ मीठी गोलियाँ ही रह जाती है, सिर्फ मीठी मीठी लगती है, तो उससे क्या काम होगा मैम? अच्छा मैम, सिर्फ एक पुड़िया से काम होगा? ओके, तो ये जो सारे सवाल अभी मैंने जो बोले हैं, जो मुझे पेशेंट्स कभी ना कभी पूछते हैं, कोई ना कोई पेशेंट्स, तो बहुत ही इरिटेटिंग होते हैं हम होम्योपैथ्स के लिए। लेकिन हमारे लिए इरिटेटिंग हो सकते हैं, बट आप लोगों को तो पता नहीं। क्या पता नहीं? कि होम्योपैथिक मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन यानी ये जो स्मॉल एंड माइन्यूट डोज का क्या फंडा है, क्या राज है उसका? आवर फादर ऑफ होम्योपैथी डॉक्टर हैनीमैन, उन्होंने कुछ थ्योरीज प्रूव किया है, उन्होंने कुछ लॉस बनाए हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स के लिए, होम्योपैथी को और भी फ्लरिश्ड करने के लिए, और उन्होंने वो सब कुछ ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन करके जो किताब है उसमें लिख के गए हैं। तो वो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन हम होम्योपैथ्स के लिए गाइडलाइन वाली किताब है, हमारी रूल बुक है। तो वहाँ पे एक थ्योरी है, वो है लॉ ऑफ मिनिमम। ये क्या है, इसको ज़्यादा डिस्क्रिप्टिवली अभी मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन देके मैं आपको बोर नहीं करूँगी। लेकिन शॉर्टली जो इसका जो जीस्ट है वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगी कुछ पॉइंट्स से। तो जो पॉइंट है लॉ ऑफ मिनिमम में, साइज क्वांटिटी ऑफ द मेडिसिन जो हम यूज़ करते हैं, जो मेडिसिन उसका साइज क्वांटिटी बिल्कुल स्मॉल एंड माइन्यूट होना चाहिए, यही बताया गया है। क्योंकि स्मॉल और माइन्यूट डोज आपकी बॉडी में जाके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा, और उस पर्टिकुलर मेडिसिन की आदत भी आपको नहीं डालेगा, और आपके बॉडी में कोई ऑर्गन को भी डैमेज नहीं करेगा। तो यही है स्मॉल और माइन्यूट डोज देने का एक रीज़न। दूसरा जो कॉज है, पेशेंट सफ़र कर रहा है, पेशेंट कष्ट में है, तो उसका कष्ट को हम, सफरिंग को कम करेंगे, यही हमारा फिजिशियन के हिसाब से हमारा रोल होना चाहिए। तो उसके सफरिंग को लार्जर डोज देके फालतू में बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। नंबर थ्री इज़ वाइटल फोर्स, जो एक डायनेमिक पावर है, जो हमारी बॉडी की जो इनर जो फोर्स है, जो इनविजिबल है, तो वो डिरेंज्ड हो गया है किसी एक्सटर्नल डायनेमिक इन्फ्लुएंस से या पावर से। तो उसको ठीक करने के लिए एक डायनामिक पावर की ज़रूरत है, विच इज़ ओनली पॉसिबल बाय द स्मॉलेस्ट एंड द माइन्यूटेस्ट डोज ऑफ द मेडिसिन। अब वाइटल फोर्स, ये कुछ नया लग रहा है, अब ये क्या है? एज पर डॉक्टर हैनीमैन, हम इंसान तीन चीज़ों से बने हैं, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। अब ये जो स्पिरिट है, जो कि इनविजिबल है, बट इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर एग्जिस्टेंस and is responsible for all different symptoms of sickness when it is get deranged, and so it is called vital force।
तो बात यही है कि हैनीमैन साहब कुछ इस तरीके के लॉजिक उन्होंने दिए हैं कि हम जो इंसान, हमारे अंदर एक इनविजिबल फोर्स है, जो स्पिरिचुअल फोर्स है, जो डायनामिक फोर्स है, और उसे उन्होंने वाइटल फोर्स कहा है। वो हमारे शरीर के अंदर है, इसीलिए हम इंसान जिंदा है, हम इंसान है। तो जब भी वो इनर फोर्स, जो डायनामिक फोर्स, वाइटल फोर्स, जब किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से लड़ाई नहीं कर पाता और डिरेंज्ड हो जाता है, बीमार हो जाता है, तब उसे ठीक करने के लिए कुछ माइन्यूट स्मॉल डोज ही ज़रूरी है मेडिसिंस के। और उस वाइटल फोर्स के अलावा हम इंसान, ये जो शरीर है वो कुछ काम का नहीं है, वो बिल्कुल भी, उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है विदाउट दिस वाइटल फोर्स और द इनर स्पिरिट। एंड इसीलिए होम्योपैथी में ये भी माना जाता है कि कोई पर्टिकुलर पार्ट या ऑर्गन अस्वस्थ नहीं होता, पूरा इंसान ही अस्वस्थ होता है। सिम्टम्स आपके जो आ रहे हैं वो फिजिकल हो सकते हैं, बट सिकनेस इज इन योर स्पिरिट, इन योर माइंड, इन योर होल एग्जिस्टेंस। हेडेक आपको हो रहा है, हेडेक इज नॉट द हेड इज अनवेल, यू द होल पर्सन इज अनवेल। सो ऐसे और भी बहुत सारे लॉज है, बहुत सारे थ्योरीज है होम्योपैथी में, लेकिन मैं सब कुछ तो नहीं बोल सकती इस वीडियो में और फिर आप लोग बोर भी हो जाओगे। लेकिन एक बात दोस्तों, ये जो आप सवाल पूछते हो, क्या दो गोलियां काम करेंगी, क्या सिर्फ इतनी सी एक पुड़िया काम करेगी, हाँ करेगी यार, ज़बरदस्त काम करेगी। प्लीज़ कम विथ बिलीफ एंड डू द एक्सपेरिमेंट। दवाई का एक्शन रहेगा, आप जो दवाई देते हो कुछ दिनों के बाद मुंह में कोई एक्शन नहीं फील होता, हाँ हाँ रहेगा, आपका दवाई का एक्शन ज़रूर रहेगा। होम्योपैथिक मेडिसिन को प्रिपेयर करने में अल्कोहल का यूजेज होता है बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में। आपको पहली कुछ दफ़ा दवाई लेते वक्त जो मुंह में एक्शन जो फील होता है वो अल्कोहल का प्रेजेंस है, वो कुछ दिनों के बाद चला जाता है, लेकिन जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है वो रह जाता है मेडिसिन में हमेशा के लिए। तो आपके जो वाइटल फोर्स, जो इनर स्ट्रेंथ, जो आपका डिरेंज्ड हुआ है बाय सम एक्सटर्नल फोर्स, उसको ठीक करने के लिए मेडिसिनल प्रॉपर्टी की ज़रूरत है, और वो है उस मेडिसिन में, उस गोलियों में वो मेडिसिन है। सो ऐसे और भी बहुत सारे क्वेरीज और मिथ्स है अबाउट होम्योपैथी, अगर आप लोग वो जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हो, तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश ज़रूर करूँगी। आज का ये वीडियो आई होप आप लोगों के लिए कुछ हेल्पफुल रहा होगा, कुछ डाउट्स मैंने क्लियर कर पाए हैं शायद। सो प्लीज़ कनेक्टेड विथ मी विथ माई चैनल सो दैट यू कैन गेट मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। And please like, share and subscribe my channel. And please press the bell button to get notified whenever I will post a new video. So stay healthy and fit.